की बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है। आपको बता दें कि बीएमपी 16 इलाके के मामले में जहां पर एक प्रॉपर्टी डीलर के घर में घुसकर अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की और इस घटना में अपराधियों ने प्रॉपर्टी डीलर मंटू शर्मा के साथ साथ उनके दोनों बेटों को गोली मार दिया। इस घटना को लेकर अब धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है। उस इलाके में फुलवारी शरीफ बीएमपी 16 के इलाके में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इलाज के दौरान मंटू शर्मा की मौत हो चुकी है, जिसके बाद लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। और क्या कुछ हो रहा है देखिए हमारे सहयोगी के साथ, सिर्फ मघी आवाज पर। नमस्कार, प्रणाम, आप देख रहे हैं मघी आवाज, मैं हूं सौरभ सिंह। आए दिन पटना में देखने को मिलता है खुलेआम अपराधियों का जिस तरह से संसद चल रहा है और इसी तरह का पूरी रात जो है एक प्रॉपर्टी डीलर फुलवारी शरीफ के लिए के नजदीक रहने वाले हैं, उनका भी बीती रातों में जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई है और इसी लेकर के जैसे कि पूरे बीएमपी द्वारा जो है जाम कर दिया गया है। यहाँ के स्थानीय लोगों से जानेंगे क्या मामला है पूरा। आइए, क्या मामला है? अखबार में छपा कुछ स्वच्छ छवि के व्यक्ति जो हमारे उनको अपराधी घोषित किया, उससे जनता में खास नाराजगी है, सरकार से भी नाराजगी है, प्रशासन शराबियों को पकड़े या अपराधियों को पकड़े, और सरकार शराबियों को पकड़ने में पुलिस प्रशासन लगा हुई है और अपराधी और इस तरह शराबियों को पकड़ने में लाभ है, अपराधी को पकड़ने में देना पड़ता है। ये स्वच्छ छवि के आदमी थे, व्यवसायी थे और आम जन को हर समय इनका नाम था, लेकिन दैनिक जागरण ने खुलेआम जिस तरह की इस घटना के उपरांत को प्रमाण हाथी का परिवार के और हम लोग बैठ जाओ बैठ जाओ लोग ही किसी को छवि बढ़िया या खराब बनाते हैं। सच्चाई बयां करिए, अगर हम गलत हैं तो गलत कहिए। उन्होंने खुलेआम अपराधी जो सरासर गलत है, अगर उनके ऊपर कोई भी मामला लंबित है या कुछ भी है तो प्रमाण के साथ दिखाया जाए तो जितने भी लोग मौजूद हैं उनसे पूछिए। वो प्रशांत कुमार पहले भी गलत बयानी के लिए मशहूर आदमी है वो, और प्रशांत कुमार बिहार सरकार यही निवेदन है कि पुलिस को शराबियों को पकड़ने की बजाय अपराधियों को पकड़ने में लगाए तो आम जन के लिए सुकून रहेगा और इस तरह की घटना नहीं। आज बीएमपी के नजदीक जो है सड़क जाम कर रखा है हत्या को लेकर के, क्या मांगे हैं? हम लोग का शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। हम लोग का मांग यही है, देखिए प्रशासन के बड़े आला अधिकारी आए और ये आश्वासन दे कि क्या कार्रवाई हुआ है इसकी जानकारी हम लोग। बैठो सब लोग, बैठिए सब लोग, बैठ जाइए। दो अपराधियों का बाइक भी जो है हम लोगों ने अपने बदौलत कैप्चर किया, तो हमारा भी जानने का हक है कि प्रशासन अपने अपने स्तर से क्या कर रहा है। हॉस्पिटल भी हम लोग लेकर गए, हॉस्पिटल से लाश को भी लेकर गए, ठीक है। अपराधी को पकड़ने के लिए जो भी मेहनत करना पड़ा, खतरे हम लोग बाइक छोड़कर भागा, ये हम लोग प्रशासन से अभी तक हम लोगों को कोई भी किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं मिला। आप भी मीडिया के आदमी हैं, प्रशासन है, हमने मीडिया से आगे कार्रवाई करें, निष्पक्ष भाव से खबर को दिखाएं। आप मृतक को अपराधी कर रहे हैं, जिनके घर में कांड हो गया आप उनको अपराधी बोल रहे हैं। एक दैनिक भास्कर के पत्रकार हैं, दैनिक जागरण के पत्रकार हैं, नाम है प्रशांत कुमार। वो घटनास्थल पर आया भी नहीं और उसने गॉसिप एक छाप दिया, या हो सकता है कि अपराधियों से मिला हुआ हो, पैसा लेकर ही छाप दिया हो और उसने कहा कि अपराधी की हत्या हुई है, तो क्या अच्छे व्यक्ति ने हत्या कर दी अपराधी की? यानी वो रिपोर्टर है और ठीक है, तो ये है। हम लोग का मांग यही है, आप लोग देख भी रहे हैं, हम लोग कोई उग्र प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, कोई हल्ला हंगामा भी नहीं कर रहे हैं, हम लोग सड़क जाम कर रहे हैं। प्रशासन कोई आया है।
कोई नहीं। देखिए थाना के लोग उधर खड़े हैं, कुछ हम लोग से कोई भी बात भी नहीं कर रहे हैं। वो भी आकर बात कर सकते थे कि आप क्यों जाम कर रहे हैं, आपका क्या मांग है। आप उनसे जाकर पूछिए क्या वो बात करने आए हैं, आपके पीछे ही वो लोग खड़े हैं। बात करने भी आए हैं, समझाने आए हैं माध्यम से। बस एक फोरेंसिक की टीम आई थी, खाना पूर्ति हो रहा है जैसा कि आमतौर पर होता रहता है। अगर यही मामला शराब पकड़ाने का होता, अगर एक आध बोतल गलती से शराब पकड़ा गया होता तो आप देखते कि यहाँ बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर खड़े हैं। कोई संदेह है तो अभी तक तो ऐसा नहीं, कोई संदेह नहीं है। हाल फिलहाल में ऐसा भी नहीं हुआ है, हम लोग तो हमेशा मिलते जुलते थे, इस तरह का कोई जानकारी हम लोग को है नहीं कि किसी से झगड़ा झंझट हुआ है। इससे कोई झगड़ा नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मामला बहुत संदिग्ध है। अब क्या है इसका उद्भेदन तो प्रशासन ही कर पाएगा, किसने किया और किसने करवाया इसका उद्भेदन प्रशासन ही कर सकता है। कोई नेता दल के कोई नेतृत्व जी, अभी जी एक विक्रम विधायक आए थे, क्योंकि इनका मूल गांव जो है, मूल निवास है वो विक्रम है, तो सिद्धार्थ जी आए थे, माननीय विधायक सिद्धार्थ जी आए थे, पूर्व विधायक अनिल शर्मा आए थे जो पूर्व विधायक है, रात भर रहे हैं श्याम, यहाँ के पूर्व विधायक जो है वो फुलवारी के पूर्व विधायक श्री श्याम रजक भी जी भी आए थे। लेकिन वर्तमान के अभी यहाँ के न तो विधायक न कोई सांसद है, न कोई नेता या मंत्री कोई भी जो है, और सत्ता पक्ष का तो एकदम हम लोगों ने देख लिया है कि अगर कहीं भी घटना होता है सत्ता पक्ष के लोग नहीं पहुँचते, क्योंकि उनको लगता है कि पूर्व से पता होता है कि घटना दुर्घटना तो होगा। उन लोगों के लिए ये सब जो है जघन हत्याकांड है। आप समझ सकते हैं कि एक कॉलोनी में घुस कर 8-10 की संख्या में अपराधी 1000 हथियार बीएमपी कैंप और घुस जाते हैं सामने बीएमपी कैंप है, उसका भी भय नहीं है, पूरा परिवार को नरसंहार कर उसका भी भय नहीं है। तीन आदमी अगर ये ऊपर चढ़ने में कामयाब रहते हैं तो बच्चे से लेकर महिलाओं तक का भी नरसंहार न हो गया। ये नरसंहार है, ये तो आप भी है, आप भी समझ सकते हैं। तीन लोग भाई है नहीं, एक व्यक्ति मृतक है, दो छोटे छोटे लड़के हैं, 8-10 साल के लड़के हैं, क्या करें, सीरियस है। एक का स्पॉट डेथ हो गया, तीनों पुरुष हैं और वो ऊपर चढ़ने का भी कोशिश कर रहे थे जैसा पता चला, जो घटनास्थल पर जितने लोग थे उन लोगों ने बताया। लेकिन ऊपर से उनके घर परिवार के लोग ही जब ऊपर से आए और उन्होंने जब विरोध किया उनको भी गोली मार दिया गया, विरोध करने पर हाँ मार दिया गया। और जब हल्ला हंगामा हुआ, लोग जुटने लगे, तब वो लोग जांच करे, हम लोगों को आश्वासन कि क्या कार्रवाई हो रही है, हम लोगों को जानकारी दे और आश्वासन अपराधियों पर का। हालांकि आश्वासन देने के बाद कुछ होता नहीं था, कुछ होता नहीं है। ऐसे सैकड़ों केस हैं ऐसे जिसका उद्भेदन आज तक नहीं हुआ। खाना पूर्ति के लिए किसी किसी को पकड़ लिया जाता है, बाद में वो भी कोर्ट से चुकी होता नहीं है कुछ उसके खिलाफ, वो बरी हो जाती है। गलती किनकी है यहाँ के पुलिस प्रशासन में या फिर जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, या सरकार की गलती है। सरकार ने प्रशासन को पूर्ण रूप से शराबबंदी और बालू के उगाही के काम में लगा के रखा है। उनके लिए यही दो अपराध है, हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, ये सब अपराध नहीं है। बीएमपी के डैम के इतने नजदीक होने के बावजूद इस तरह नजदीक नहीं, बिल्कुल सामने, इसके बाद इस तरह का घटना होना कहीं ना कहीं संदेह, बिल्कुल संदेह, बिल्कुल संदेह पैदा करता है। और प्रशासन का लाचारी भी सामने आता है, नाकामी सामने आता है। आवाज़ सुनकर ठीक है कि वो कार्रवाई नहीं कर सकते थे, वो अपराधी भागे, आवाज़ सुनकर कम से कम सड़क पर तो आ सकते थे। वर्दी देख के भी अपराधी, ऐसा होता है तो आगे से अगर किसी तरह का घटना दुर्घटना घटेगा तो ये भय तो रहेगा अपराधियों के मन में कि आसपास में पुलिस रहेंगे तो सड़क पर आएंगे, हम लोग पकड़े जा सकते हैं। पुलिसों का ये जितने अपराधी थे उनके मन में एक रत्ती का भाव पकड़ाने का डर नहीं,